जी भाई, आज मैं इधर हबीब नगर पुलिस स्टेशन के पास आया हुआ हूँ। जो है सो मेरे को रात में 1:30 बजे, रात को सुबह 1:30 बजे रात को मेरे मामा का कॉल आया था कि बोलते हुए कि ज़रा थोड़ा उनकी तबीयत बहुत नासाज है, पैसे देने वाले मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रही, और जो है सो मेरे को खुद सब जने मिल के मार देते रहे भाई, बहुत मैं परेशान हूँ, देख मेरा कुछ भी अच्छा बुरा हुआ तो तू देख लेना, देख रहे भाई बोल के मेरे को रात में मेरे को 1:30 बजे रात को कॉल करे थे। तो मैं जैसे नहीं भाई कुछ भी नहीं होता, इंशाल्लाह अपन बात करके मसले को सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं रे ज़रा पैसे देने वाला बहुत फिरारा कर रहा मेरे को डेली, जैसे एक हफ्ता 10 दिन से जैसे आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ कर रहा हूँ उन्हें पैसों को लेके, मैं जिसको देना हो उन लोगों को ज़बान दिया हुआ हूँ बात करके, देख मैं तेरे को बोल दे रहा हूँ कुछ भी अच्छा बुरा रहा तो तू देखना करना सर बोल के मेरे को से कल रात में 1:30 बजे रात को बात हुई थी। फिर पलट के मेरे को आज सुबह में जो है सो 7:30 पौने 8 के टाइम पे कॉल आया था होटल महाराजा लॉर्ड लॉर्ड से कि भाई ज़रा फलानी आपके भाई की जो है ज़रा तबीयत ख़राब है आपके मामू की, आप आइए बोल के मेरे को बताए। तो मैं जो है सो सुबह 7:30 पौने 8 के टाइम पे क्या गुजर, नाम है मामू का? मेरे मामू का नाम मोहम्मद अब्दुल नवीद है और जो है सो उन्होंने महाराजा लॉर्ड्स में कुछ रह रहे थे। तो मैं सुबह में पहुंचा तो मेरे को जो है सो लॉर्ड्स वाले बताए कि जो है सो इनका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई, अब जाके चेक करिए बोल के बोले। तो उनके साथ उनके एक फ्रेंड रह रहे थे शफी भाई, तो उन्होंने जो है सो गए जाके जो है सो देखे देख के करके बोले कि एम्बुलेंस को बुला लिए थे, जब तक मैं जब तक पहुंचा एम्बुलेंस भी आके चले गई थी और पुलिस वाले भी जो है सो पहुंच गए थे स्पॉट पे। वहाँ पर मैं जाने के बाद ये मालूम हुआ कि जो है सो उनका इंतकाल हो गया बोलकर, यही अपडेट थी सर मेरे को आने के बाद। फिर आने के बाद वहाँ पर से लिए डिटेल्स वगैरह लिए पुलिस वाले हबीब नगर पुलिस स्टेशन वाले, वो ले के फिर अभी जो है सो मामू को जो है सो आई मीन जिसका इंतकाल हो गया मोहम्मद अब्दुल नवीद को जो है सो उस्मानिया हॉस्पिटल को जो है सो लोग शिफ्ट करे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम होगा सर के बाकी के हमारे डिटेल्स क्या है। मैं अभी जो है सो अभी हबीब नगर पुलिस स्टेशन में बॉडी हैंड ओवर लेटर के लिए वेट कर रहा हूँ सर, मैं अभी वो फिल हो रहा है, इंशाल्लाह मैं आते ही जो सो आपको मजीद नहीं, अभी इन्फॉर्मेशन दे सकता यो हूँ। कुछ कंज्यूम करे, अल्कोहल कंज्यूम करे बोल के बता रहे थे। जी सर, जो है सो इससे पहले भी तकरीबन एक दो तीन दिन दो से तीन 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 बार अल्कोहल ले लिए थे सर उन्होंने, तकरीबन जो है सो 3 महीने पहले भी उनकी तबीयत इसी वजह से ख़राब हो गई थी। अब यही सर फाइनेंसर्स के प्रेशर्स में आके जो है सो उन्होंने स्टेप लिए थे ये इस, कई कई के बाकी है ना पैसे? नहीं सर इन्होंने जो है सो एक बिजनेस पर्पस के लिए जो है सो सिविल कंस्ट्रक्शन करते थे सर इन्होंने, तो इन्होंने सर लोगों इनके कुछ पैसे अटके हुए सर, बेगम बाजार में कैलाश बोल के बंदा है जिसके पास इनके 65 लाख रुपीज़ आना है, उसका बॉन्ड था सर लेकिन मेरे पास नहीं, मरहूम के पास ही है रखे हुआ वो, उसके डिटेल्स मेरे को मजीद अभी नहीं मिले कि वो बॉन्ड पेपर अभी कहाँ है। तो अब इनो इनो क्या करे थे सर, थोड़े जो है सो बाहर भी काफ़ी सारे लोगों से पैसे ले लिए थे इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पर्पस पे। अब वो ऐसा हो जा रहा था सर, अब जो है सो इनको जहाँ से आना है पैसे वो इनको आसानी से मिल रहे नहीं, उन्हें आज दे रहा हूँ बोल के खाली फिराते जा रहा, इन्हों जो जिसके से पैसे ले लिए लोग इंटरेस्ट पे लिए थे, तो वो इंटरेस्टों का फाइनेंस इतना बढ़ जा रहा था सर, आखिरी में इन्हों पे नहीं कर सक रहे थे इंटरेस्ट, तो घरों पे आना जाना बच्चों को उठा लेते फतरे मार के जाना जो है सो, और घर के लेडीज़ के साथ गाली गलौज करना। अब जैसा मैं भांजा हूँ मेरे को जान से मार देने के थ्रेटनिंग कॉल्स कर रहे थे सर मेरे को भी, तो मैं ये सारी चीज़ें उन लोगों को शो करा था। शिकायत नहीं करे इसकी कि नहीं सर, इससे पहले हम चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में दिए थे सर कंप्लेंट जाके, तो वहाँ पर के वेंकटेश सर थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये सिविल मैटर है, अगर कोई आपके घर पे आ रहे हैं तो आप इन्फॉर्म करिए, पेट्रोलिंग वैन का नंबर दिए थे वेंकटेश सर, बहुत सपोर्ट करे थे वो टाइम पर, पेट्रोलिंग वैन का नंबर दिए, बोले कि आप जाइए यहाँ पर कोई भी रहा तो आप कॉल करिए क्योंकि ये सिविल मैटर है, अगर आप कुछ और मैटर रहा तो हम जैसे उनको बुला के बात कर सकते, क्योंकि सर ये सिविल मैटर रहने की तरफ से ज़्यादा कुछ इशू हुआ नहीं सर, कुछ बात नहीं हुई। मैटर कहाँ था जी? एक मिनट जी। तो अभी अभी जो है अब उनकी जो बॉडी मिली जी, अब उन्होंने जो है फाइन कर लिया, मतलब उल्टी के लिए वॉमिटिंग कर लिया जी सर, तो उन्होंने ओवर कंज्यूम जो है अल्कोहल करने की वजह से जो है ये डेथ नहीं सर, अभी ये सस्पिशियस है सर, या तो ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल भी हो सकता है सर, या तो फिर जो एक पर्टिकुलर रीज़न है वो तो सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये मालूम होगा सर हमारे को, क्योंकि सर अब कितने लोगों के पैसे बाकी है मार्केट में? सर अभी एक 9-10 लोग रहते सर जिसके पैसे बाकी है उन्होंने। कितने पैसे रहते हैं अंदाजा टोटल? सर एक अंदाज़ा उनके पैसे रहते सर एक 25 से 30 लाख रुपए तक रहते सर, इन्हों जो बाकी है लोगों लोगों के। बाकी जो है जी हाँ 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं? जी हाँ, नहीं नहीं सर उससे ज़्यादा नहीं है, वो भी इंटरेस्ट अमाउंट मिला के बता रहा हूँ सर मैं आपको, जो मेरे इसको मामा तकरीबन कुछ महीने पहले बताए थे, एक 1.5 महीना पहले। अगर कुछ फाइनेंसर्स नहीं होते यहाँ पर लोकल लोकल लोग अभी जो है उनको पैसे दिए बोल के इन्फॉर्मेशन है हमारे, उनके साथ जो रह रहे अभी आए थे उन्होंने भी है कि लोकल लोग जो है इन्फॉर्मेशन है कि हमारे जो है उनको बिजनेस के लिए आमदनी के लिए पैसे लिए दिए थे इनको,
प्रॉफिट बताते थे उन्हें आप ये दो पैसे हम जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ आपको ला के देता हूँ प्रॉफिट बोल के लिए बोल के मालूम हो रहा है इन्फॉर्मेशन नहीं सर। बट अगर ऐसे कोई लोग अगर जो पैसे दिए हुए है तो भी सर जो प्रॉफिट बेसिस पे दिए सो जितना हमारे को मालूम है सर। फाइनेंसर का नाम ले रहे वो बात बता रहा हूँ, वो लोग थोड़े लोग फाइनेंसर भी नहीं है ना उसमें। नहीं नहीं सर देखिए सर मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई आदमी कारोबार कर रहा सर बिजनेस कर रहा तो उसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों इंक्लूडिंग रह रहता सर। जो कारोबार में सिर्फ प्रॉफिट ही देखा जाता सर उसको अब क्या बोलते हैं आप बेहतर सोच सकते सर। जो भाई इन्होंने अपने पास दो तीन दिन के लिए रूम लेने के लिए आया है, नाइट में खाना वाना खा के सोया, सुबह डेट हो गया उनका। क्या नाम था उनका? नजीर 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 नवीद 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 चंदन गुटा। चंदन गुटा के लिए आए थे यहाँ पर आपके पास? यहाँ पर कोई काम से आया था, उनका पर्सनल काम था। उनके साथ और कोई भी था? उनके साथ एक अंकल थे उनके दोस्त। हाँ कब से रह रहे थे यहाँ पर? ढाई महीना हुआ, ढाई महीने से रह रहे थे। ढाई महीने से रह रहे? हाँ। तो कुछ उनके वास्ते कोई भी आए करें उनके मिलने करने के लिए? नहीं नहीं कोई झगड़ा हुआ कुछ? कोई नहीं है। नाइट में खाना वाना खा के सोए, हाँ सुबह देख रहे तो मरा हुआ है, वोमिट करा हुआ था, हार्ट आया शायद। हाँ उनके पास साथ में कोई भी नहीं था? नहीं उनके साथ में कोई नहीं था। रूम में कोई भी नहीं था? वो एक जने थे बोला ना, एक अंकल थे उनके सामने, उनके दोस्त उनके साथ में रह रहे थे उन्होंने। हाँ उनको कब मालूम हुआ? उनको सुबह मालूम हुआ 6 बजे। पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्या नाम है आपका? मोहसिन। क्या है आपके होटल मैनेजमेंट?